स्वागत है आप सभी बच्चों का भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपके वीकली टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों का आंसर्स देखने वाले हैं। ठीक है, क्लास सिक्स का है यह वीडियो, क्लास सिक्स साइंस का वीकली टेस्ट में पूछे गए प्रश्नों का वीडियो है। तो सभी बच्चों, एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि शानदार तरीके से वीडियो को लाइक कर देंगे और धुआं धुआं तरीके से शेयर कर देंगे। बहुत ही शानदार बच्चा और भारतवर्ष क्लासेस में रोज सुबह 4:30 बजे क्लास सिक्स के लिए फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार सी वीडियो यहाँ पे लाइव चलती है बच्चा। तो आपने अभी तक भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पे क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस है, इसका हम आंसर देखने वाले हैं। तो कुल 15 प्रश्न थे, 1 से 10 के लिए 2 अंक निर्धारित है और 11 से लेकर 15 तक के लिए 4, और इस तरह से आपके कुल 40 अंकों का यह परीक्षा था। चलिए सेक्शन 1 को देख लेते हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन जांता और ऐसा है, और इस प्रश्न को मैंने मॉडल सेट में भी करवाया था कि बच्चे इस प्रश्न को आपको पढ़ के जाना, अच्छे से करके जाना है, और यही प्रश्न भी पूछा गया है। बताना है जांता और ऐसा क्या होता है, तो वे रेशा जो आपको जंतुओं से मिलता है। विकल्प दे रखा है कपास, पटसम, रेशम या नारियल रेशे। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, रेशम। जो रेशम है वो जांतव रेशा है, क्योंकि ये रेशम से मिल रहा है। पटसन, तो यहाँ पेड़ पौधों से मिल रहा है, कपास भी पेड़ पौधों से मिल रहा है, नारियल रेशा भी पेड़ पौधों से मिल रहा है। सही उत्तर सी हो जाएगा, रेशम। दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन संश्लेषित रेशा है, नायलॉन, रेशम, रुई या ऊन। संश्लेषित रेशों को हम बोल सकते हैं कृत्रिम रेशा, ठीक है, संश्लेषित रेशों को हम कृत्रिम रेशा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा का, नायलॉन। जो नायलॉन है वो संश्लेषित रेशा है या फिर कृत्रिम रेशा है, जबकि अन्य जो दे रखा है रेशम, रुई, ऊन, ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। तीसरा प्रश्न पूछता है, निम्न में से हमें पादप रेशा बतलाना है, निम्न में पादप रेशा कौन सा है, रेशम, ऊन, कपास या नायलॉन। पादप रेशा जो पेड़ पौधों से मिल रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चा कि जो कपास है वो पादप रेशा है, क्योंकि ये पेड़ पौधों से मिल रहा है, जबकि ऊन यहाँ पे मिल रहा है जंतुओं से, रेशम ये भी जंतु से मिल रहा है, नायलॉन ये तो कृत्रिम है। सही उत्तर सी हो जाएगा, कपास। चौथा प्रश्न पूछता है, रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो सही उत्तर होगा बी, 2। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्रिम रेशा और एक होता है प्राकृतिक रेशा, तो सही उत्तर बी हो जाएगा, 2। पांचवा प्रश्न है, रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की विधि कहलाती है, कताई, बुनाई, बंधाई या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा, पांचवे का सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पर सही उत्तर आपको यहाँ पर लिखना था ए, कताई, कताई हो जाएगा, कताई एकदम सही हो जाएगा बच्चा। छठा प्रश्न था, मानव द्वारा रसायनों का प्रयोग कर रेशा का निर्माण किया जाता है, ऐसा रेशा क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न को मैंने अभी ही करवाया आपको, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक रेशा या फिर हम इसे बोलते हैं संश्लेषित रेशा। तो यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, संश्लेषित रेशा। सातवां प्रश्न था, भेड़, बकरी, याक, खरगोश से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है, पादप रेशा, जांतव रेशा, मिश्रित रेशा या प्राकृतिक रेशा। यहाँ पर सही उत्तर था बी, जांतव रेखा, ये सभी जांतव रेशा कहलाते हैं। धागा किससे बनता है, पटसन, रुई, रेशम या भेड़, तो रेशम का धागा होता है, सी सही है। बोरे, रस्सियाँ किससे तैयार सामग्रियाँ हैं, रेशम, रुई, पटसन या धागा, तो बोरे, रस्सियाँ और ये सभी जो है किससे तैयार होता है, रेशम से तैयार होता है, नहीं, पटसन से तैयार होता है। यहाँ पे सही उत्तर होगा सी, पटसन।
ठीक है, पटसन से तैयार होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है, तो रेशम रेशम कीट से प्राप्त होता है। सही उत्तर यहाँ पर सी था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर नारियल रेशा। देखिए अगले प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पे मिलेगा, 11वां प्रश्न आप यहाँ से देख लिए प्रश्न और उत्तर आपको यहाँ नीचे मिलेगा। जैसे 11वां प्रश्न है, नारियल रेशा से बनने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर लिखना था आपको रस्सी, मेट, चटाई आदि वस्तुएं नारियल रेशे से बनाई जाती है। फिर से सुन लीजिए, नारियल, रस्सी, मेट, चटाई आदि। अगला प्रश्न था कताई किसे कहते हैं, उपयोग में आने वाले उपकरण का नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे रेशा या तंतु से सूत या धागा तैयार करने की विधि को कताई कहते हैं। ऊन किन किन जंतुओं के बाल से बनाए जाते हैं, तो इसमें लिखना है ऊन पालतू भेड़ों के बालों से बनाए जा सकते हैं, परंतु बकरी, याक इत्यादि के बालों से भी ऊन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए आराम से इसका आंसर। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, तो इसमें आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे रुई तथा जूट पादप के फूलों तथा छालों से प्राप्त होते हैं। वस्त्र तैयार करने के लिए धागों की बुनाई कैसे करते हैं, ये आपको लिखना था। तो यहाँ पे लिखेंगे धागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। इसी प्रकार धागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये था बच्चा आपके वीकली टेस्ट में पूछे गए प्रश्न। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए बच्चा। और आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा।